डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हो चुकी है रिलीज। मैंने देख ली है और कैसी है ये मूवी, आइए बात करते। इस मूवी का ट्रेलर जब आया था तो एक बड़ी बात इसमें छिपाई गई थी, जो कि अच्छी बात है, जो मूवी में देखोगे तो समझ भी जाओगे। फर्स्ट हाफ में ही पता लग जाएगा कि क्या छिपाया गया था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर जो छिपाया गया था वो इस फिल्म में ना भी होता तो भी मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसकी मेन स्टोरी को कुछ फर्क भी पड़ जाता, क्योंकि उस स्टोरी ने बस इस फिल्म की लेंथ बढ़ाने का ही काम किया है। बाकी ओवरऑल जो स्टोरी है वो रॉकी और रानी की है। रॉकी और रानी दोनों ही बड़े ही अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं। बड़े खानदान और उनके अपनों के ही बीच में चलता फैमिली सिविल वॉर, यू नो व्हाट आई मीन। तो रॉकी और रानी दोनों में प्यार होता है, लेकिन एक दूसरे को ज्यादा समझने के लिए दोनों करते हैं फैमिली एक्सचेंज। दोनों एक दूसरे के फैमिली के साथ 3 महीने गुजारेंगे और सब ठीक रहा और दोनों फैमिली ने लड़का लड़की को एक्सेप्ट कर लिया तो ही वो शादी करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो इस फिल्म की कहानी है। फिल्म ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की है, जिसमें फैमिली ड्रामा, फैमिली इमोशन, प्यार वाले इमोशन, सही गलत वाले इमोशन, इन सब के बीच में फर्स्ट हाफ में रणवीर सिंह के कॉमेडी का तड़का। एंड माइंड इट, इसमें जैसा कैरेक्टर दिखाया है रणवीर सिंह का, उनकी कॉमिक टाइमिंग एंड उनको दिए हुए जो डायलॉग्स है, आपके चेहरे पर हंसी तो ला ही देंगे। ऊपर से फर्स्ट हाफ में जब जब रणवीर स्क्रीन पर होंगे कॉमेडी का तड़का लगता रहेगा। पर एक बात कंफर्म हो गई है भाई साहब, फिल्म को देखने के बाद ये आपको कहीं ना कहीं एक फीमेल सेंट्रिक कहानी लगेगी, जहाँ विमेन एम्पावरमेंट के बारे में ढेर सारे मैसेजेस दिए जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उस बात को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खींचा जाता है, जो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इस फिल्म में लोकेशंस एंड बैकग्राउंड सेटअप काफी ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल है, जो फिल्म को रिच फील करवाते हैं। बहुत से डायलॉग्स काफी अच्छे लिखे गए हैं, लाइक एक गार्डन में रणवीर आलिया को ले जाता है, जिसे वो गार्डन ऑफ गैलेक्सी कहता है। एक डायलॉग है गजनी और सजनी को लेकर, जो बहुत क्रिएटिवली पुट किए गए हैं, बट कुछ बातें दिमाग के परे हो जाती है, लाइक आलिया और रणवीर का बीच रोड में एक्सीडेंट हुआ है, जो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, एक दूसरे की गाड़ी ठोकने वाला। यार बीच रोड में एक्सीडेंट हुआ है और भरे रोड में किसी को पड़ी नहीं है कि वहाँ आए और हालचाल पूछ ले, तो ऐसे एक दो सीन्स है जो बिना दिमाग लगाए देखोगे तो ही मजा आएगा। बाकी जहाँ फिल्म के फर्स्ट हाफ में थोड़ा फन है, वही सेकेंड हाफ में इमोशन सबसे ज्यादा है। और जितने भी गाने वगैरह डाले गए हैं इसमें, वो काफी अच्छे हैं। वे कमलेया सॉन्ग, तुम क्या मिले और वो झुमका वाला सॉन्ग अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे लिए ये फिल्म एक टिपिकल फैमिली ड्रामा को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें नया बस यही है कि वो एक दूसरे के घर में स्विच हो जाते हैं, बाकी वही K3G वाला मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक्चुअली, इसमें 5 बार किसिंग सीन्स है। ये एक्चुअली एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, लेकिन फैमिली के साथ देखोगे कि नहीं वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। वन टाइम वॉच तो है ये फिल्म, देखने जा सकते हो, जाओ देखो, एंजॉय करो और भूल जाओ, हाँ यही कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा एक भी सीन या एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है इसमें कि जिसको सदियों तक याद रखा जा सके। इवन इसका क्लाइमैक्स भी बहुत ही ज्यादा फिल्मी बना दिया गया है, आई मीन एज एक्सपेक्टेड, जैसा आप प्रेडिक्ट करोगे वैसा ही हो। अगले वीडियो में बाय।